बिट्स की। मैं डॉक्टर सुलोचना शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी। ये जो लिपिड्स होते हैं उनमें आते हैं ट्राइग्लिसराइड्स, फॉस्फोलिपिड्स, स्टीरॉइड्स और इनके प्रोडक्ट्स जो कि ग्लिसरॉल, प्री फैटी एसिड, कीटोन बॉडीज, ये सब लिपिड्स में आते हैं। तो जब हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की, तो ट्राइग्लिसरॉल्स यानी जो न्यूट्रल फैट्स हैं उनके ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। ट्राइग्लिसरॉल्स जो हैं वो हाइड्रोलाइज होकर के फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाते हैं एडिपोज टिश्यूज़ में। ये प्रोसेस जो है सेल के अंदर होती है और इक्विवेलेंट केमिकली टू डाइजेशन इन एनिमल एलिमेंट्री कैनाल होती है। तो जो फ्री फैटी एसिड्स हैं ये ब्लड प्लाज्मा में रिलीज हो जाते हैं, वहाँ ये सीरम एल्ब्यूमिन के साथ कंबाइन करते हैं और ये फ्री एसिड जो है फैटी एसिड जो है दे अपटेक इनटू द टिश्यू लाइक लिवर, किडनी, मसल, लंग, टेस्टिस एंड एडिपोज टिश्यूज, और यहाँ पर इनका बीटा ऑक्सीडेशन होता है। तो द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लिसरॉल डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटिंग एंजाइम ग्लिसरोकाइनेज, ठीक है। तो दिस ये जो एंजाइम है ये लिवर, किडनी, इंटेस्टाइन, ब्राउन एडिपोज टिश्यूज और लैक्टेटिंग मेम्ब्रेन में ही पाया जाता है। तो बेसिकली जो फैटी एसिड्स का जो मेटाबॉलिज्म है वो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड है। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड में क्या है कि जो 1904 में फ्रेंच नूट जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने फैटी एसिड के डिग्रेड मतलब सिक्वेंशियल रिमूवल को समझाया था, यानी कि जो फैटी एसिड्स होते हैं वो लंबी कार्बन श्रृंखला के बने हुए होते हैं, तो उनमें से हर एक साइकिल में दो कार्बन एटम जो है वो रिलीज होते हैं एक कार्बोक्साइल ग्रुप से। तो क्योंकि वो जो दो कार्बन एटम हैं वो बीटा जो प्लेस है, यानी कि कार्बोक्साइल ग्रुप से सेकेंड नंबर का जो कार्बन एटम है वहाँ से रिलीज होते हैं, इसलिए इस तरह की जो सीरीज ऑफ रिएक्शन है उसको बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे कहते हैं। तो इसमें बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे में क्या होता है कि जैसे जो भी फैटी एसिड है उसको हम RCH2CH2CH2COOH, ये फैटी एसिड्स हैं, है ना, जो कि लिपिड के जो डिकम्पोजिशन से बनते हैं। और इसमें जो लास्ट जो ग्रुप है वो एसिडिक ग्रुप है COOH का, और उससे जुड़ा हुआ पहला जो एटम है वो कहलाता है अल्फा और सेकंड जो है CH2 वो कहलाता है बीटा। तो बीटा जो स्थान है वहाँ से जो है एक दो मॉलिक्यूल कार्बन के रिलीज़ होते हैं हर एक साइकिल में। तो उस तरह से तो उसमें जो है सबसे पहले ये जो फैटी एसिड है वो ATP से एनर्जी लेकर के एक्टिवेट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम थायोकाइनेज। यहाँ पर एक ATP जो है AMP में कन्वर्ट होता है और ये जो फैटी एसिड है ये एसाइल को एंजाइम ए बनाता है, यानी कि एक्टिवेट हो जाता है। एसाइल को एंजाइम ए इन द प्रेजेंस ऑफ एसाइल को एंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में FAD को दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देता है। ये दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में और वहाँ जाकर के दो ATP क्रिएट करते हैं। और ये जो प्रक्रिया है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिलीज होता है इसलिए इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। ये ऑक्सीडेशन के बाद में जो एसाइल कोएंजाइम ए है वो इनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि दो हाइड्रोजन एटम जाते हैं तो जो अल्फा और बीटा कार्बन एटम हैं उनके बीच में डबल बॉन्ड हो जाता है सिंगल की बजाय। नेक्स्ट स्टेप में इनोइल कोएंजाइम ए हाइड्रेटेज, एक एंजाइम जिसकी प्रेजेंस में एक वाटर मॉलिक्यूल जुड़ता है तो उसको हाइड्रेशन कहते हैं, और इनाइल कोएंजाइम ए हाइड्रोएसाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ ये हाइड्रोएसाइल कोएंजाइम ए जो है वो डिहाइड्रोजिनेज रिएक्शन करता है, यानी कि फिर से दो हाइड्रोजन एटम इसमें से निकलते हैं। ये दो हाइड्रोजन एटम निकल करके और NAD को जाते हैं। ये NAD जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाकर के तीन ATP क्रिएट करता है। तो यहाँ पर हाइड्रोएसाइल कोएंजाइम ए जो है थ्री हाइड्रोएसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोसेस हो रही है वो डिहाइड्रोजिनेशन की हो रही है, इसलिए डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में कीटोएसाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ कीटोएसाइल कोएंजाइम ए में आप देख रहे हैं कि
जो बीटा कार्बन एटम है वहाँ पर एक ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड से कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर फिर एक और थायोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में दो कार्बन, यानी कि एक कार्बन तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, दूसरा कार्बन अल्फा नंबर वाला कार्बन जो है वो दोनों मिलकर के एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि दो कार्बन एटम फैटी एसिड की चेन में से अलग हो जाते हैं और जो नया जो फैटी एसिड बनता है वो दो कार्बन एटम छोटा होता है, यानी कि जो अब जो एसाइल कोएंजाइम ए बनता है वो दो कार्बन एटम शॉर्टेंड होता है। और ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये फिर साइट्रिक एसिड साइकिल में चला जा करके और जो है वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है और एटीपी फॉर्म करता है। तो ये एक पूरी प्रोसेस है बीटा ऑक्सीडेशन।